गुलेरिया थाना में हुए प्रॉपर्टी डीलर पर हत्या के प्रयास के आरोपी अभियुक्त दिनेश यादव पुत्र बृजनाथ यादव निवासी जंगल छत्रधारी टोला शाहगंज थाना पिपराइज आकाश उर्फ मंटू कन्नौजिया पुत्र राम प्रसाद कन्नौजिया निवासी लालगंज थाना पिपराइज तथा अशोक यादव पुत्र भरत यादव निवासी झुंगिया बाजार थाना गुलेरिया को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक 315 बोर का एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, 12 बोर, दो तमंचा व 4 कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के प्रयास में आरोपी अभियुक्त फरार चल रहा था, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने कहा, दिनेश गया था, मंटू गया था, रीचू वांछित है वो भी गया। दिनेश और मंटू इसमें ये दोनों जेल जा चुके हैं मार्च महीने। दिसंबर वाली गोली का एक खुलासा एक बार दिसंबर में हुआ और उसमें आज के अपराधी मार्च में हुआ। दिनेश ने कहाँ से है इसकी जांच हुई। जैसे कि आप लोग अवगत हैं कि दिनांक 9/6 को गुलेरिया पुलिस, शाहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच के साथ एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बिपिन सिंह नाम का एक बदमाश मारा गया था। उस पुलिस मुठभेड़ में इसके साथ में जो है दिनेश यादव और आकाश उर्फ मंटू कन्नौजिया, इन दोनों का नाम होना प्रकाश में आया था। आज इन्हें गिरफ्तार करने में जो है क्राइम ब्रांच और गुलेरिया पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, जिन्हें जो है आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उसके अलावा एक अशोक यादव नाम का व्यक्ति भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो उस दिन जो है विपिन को और अन्य को जो है हथियार प्रोवाइड कराने में वो था, जिसकी भूमिका थी, और उस घटना को कारित करने में भी 120B में ये भागी था। ये तीन मुलजिम जो है जेल भेजे जा रहे हैं और इन सबों के पास से जो है 3 तमंचे और मोटरसाइकिल जो है बरामद हुई है। आपराधिक इतिहास दिनेश यादव का आपराधिक इतिहास है और आकाश उर्फ मंटू कन्नौजिया का भी आपराधिक इतिहास है। छोटू प्रजापत में पुराने जो हमले में इसको जो है विपिन के साथ ही जेल भेजा गया था। अशोक यादव का भी आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया, इस बारे में विवेचना चल रही है, छानबीन चल रही है। इन सबों के पीछे जो है मुख्य मोटिव जो है जमीन की खरीदारी का जो है इन सबों ने रैकेट बना रखा है और छोटू प्रजापति जो उसका विरोध करता है, वो एक अलग तरह का है, तो उस पर जो है ये लोग हमलावर होते हैं। जमीन का धंधा ही मुख्य रूप से है। अभी इसमें दो एक लोग और वांछित हैं, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य है कि इस पूरी माफिया को नेस्तनाबूद करना, तो पुलिस कार्रवाई में जितने लोग दोषी पाए जाएंगे सबको जेल भेजा।